तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। स्टूडेंट स्पिरिट्स की तरफ से आप सबको नमस्कार। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, ये दिख ही रहा है आपको। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर पिछले फॉर्मूलाज को बुलाने के कारण, पिछले ट्रिक्स को बुलाने के कारण हम लोग इसे नहीं बना पाते हैं। तो एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। पहले आप लोग वीडियो रोक के ट्राई कर सकते हैं। ओके, वीडियो रोक लिया है अगर, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसका आंसर तो देखिए हमारे, ये देखिए यहाँ पे, ये 1/2 / √2 / √2 / 2/3 √3 + 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है फ्रैक्शन में तो उसके नीचे 1 मान लिया जाता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पे तो हमने 1/√2 को ऐसे ही रहने दिया, हमने 1/2 को 1/√2 को वैसे ही रहने दिया और हम लोग आगे निकले। ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हमने ऐड किया, देखिए ऐड का सिंबल है तो ऐड किया, तो ऐड करने पे देखिए √3 और वन गुना होगा तो क्या आएगा, एलसीएम दोनों का क्या आएगा, √3 आएगा ऑब्वियसली, क्या आएगा √3 और √3 और फिर √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 2 = 2। सो यहाँ पे 2 है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 1 से √3 को गुना करेंगे, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और 2 × √3 = 2√3, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर से, 9, 10 कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी चैप्टर से प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको हमारे नए नए वीडियो का, नए नए ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके याद में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे √3 हो गया, देखिए ये इसके नीचे आ गया, ये जो है a/b एंड b/c के फॉर्म में आ गया, यहाँ पे a/b / c/d आ गया कि नहीं, आप लोग बोलिए। a/b इसको हम लोग सीधा ये समझ सकते हैं, ये जो है ये डिवाइड का ही ना सिंबल है, ये जो है बीच वाला लाइन ये डिवाइड का ही सिंबल है ना, ये जो, तो इसको हम लोगों ने डिवाइड के फॉर्म में किया, डिवाइड वाला उधर जाके इंटू में होने के लिए उल्टा हो जाता है, तो ये उल्टा हो गया, ये √3 ऊपर चला गया और ये 2 + 2√3 नीचे आ गया। समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से पूछिए, मैं फिर से नई वीडियो बना के आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन ऐसे मत चल जाना। तो ये देखिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 × √3 = √3, ओके, एंड √2 × 2 × 2 + 2√3 = तो इसको हमने गुना अभी नहीं किया है, मल्टीप्लाई अभी नहीं किया, तो देखिए ये लिख दिया डायरेक्ट, हमने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है तो ये लिख दिया √2 × मतलब होल सबसे गुना होगा उसका मतलब, तो अभी हमने इसको इंटू नहीं किया, देखिए तो इसको अभी ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे, ये ब्रैकेट शो करता है कि ये सब इंटू में है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 को अगर हम लोग को √2 हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे हम बताते हैं। ये देखिए इस 2 √2 को, √2 को हटाने के लिए हम लोग को दोनों ऊपर और नीचे दोनों को √2 √2 से गुना कर देंगे, तो √2 √2 जब गुना होगा तो 2 आ जाएगा, समझ रहा है ना, ओके। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले, तो √3 एंड √2 जब गुना हुआ तो √6 आ गया,
और ये अंडर रूट टू, और अंडर रूट टू जब गुना हुआ तो अंडर टू हो गया, अंडर रूट हट गया। ओके तो यहाँ पे देखिए वही है, अंडर रूट टू की जगह यहाँ पे सिर्फ टू लिख दिया और कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आते हैं, अंडर रूट सिक्स वैसे ही है जैसे था, लेकिन टू इंटू इसको कॉमन ले लिया गया। इन दोनों में जो टू टू था ना, इन दोनों को कॉमन ले लिया गया, इन दोनों टू को कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पे आगे वन आ गया, यहाँ पे आगे वन आ गया। लेकिन वन को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, इसलिए उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम लोग उसको हटा देते हैं। और यहाँ पे ये टू इंटू वन टू आ जाएगा, तो ये देखिए ये टू आ गया, ये इन दोनों में से कॉमन निकल के यहाँ पे टू अकेला आ गया। ओके अब ये देखिए अंडर रूट सिक्स अभी भी वैसा ही है, तो अब ये दोनों टू, ये दोनों जो टू हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होके फोर बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे फोर बन गए, ये दोनों टू फोर बन गए, और ये जो बाकी का है वो बाकी का वैसे ही रह गया। अब हम लोग को फिर से क्या करना है, अब हम लोग को फिर से ये रूट हटाना है, क्योंकि रेशनलाइज ना, क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो नीचे तो रूट नहीं रहना चाहिए, ऊपर रह रहे, लेकिन रेशनलाइजेशन में नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है यहाँ पे देखिए, तो इस टू इस इसको उल्टा कर दिया, चाहिए अंडर रूट थ्री प्लस वन रहे, चाहे अंडर रूट वन प्लस इज इक्वल मतलब वन प्लस अंडर रूट थ्री रहे, बात तो बराबर ही है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया। और उल्टा करके ये आपने क्लास 9 में रेशनलाइजेशन में पढ़ा होगा कि रेशनलाइजेशन में ये वाला ट्रिक लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है, आपको भले ही ध्यान में ना हो, लेकिन अगर आप आर एस अग्रवाल की बुक या फिर एनसीईआरटी की बुक पीछे पलट के देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। देखिए अंडर रूट थ्री माइनस वन ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में, तो ये वही किया हमने ताकि ये जो अंडर रूट थ्री है वो हट जाए। तो ध्यान से देखिए, तो ये ए प्लस यहाँ पे ये जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में नहीं आ गया, ये दोनों अंडर रूट थ्री प्लस वन इंटू अंडर रूट थ्री माइनस वन। तो आपको फॉर्मूला याद है, अंडर रूट थ्री प्लस वन मतलब ए प्लस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर याद नहीं है तो अभी नोट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे किया, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में लिखिए, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर होगा थ्री, ओनली थ्री, और वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और ऊपर ये देखिए इंटू हुआ है, पहले सिक्स को अंडर रूट थ्री से गुना किया है, सिक्स को अंडर रूट थ्री से गुना करने पे अंडर रूट एटीन आया, और सिक्स को अंडर रूट सिक्स को वन माइनस वन से गुना करने पे माइनस अंडर रूट सिक्स आया। ओके तो अब देखिए अंडर रूट एटीन माइनस अंडर रूट सिक्स कट जाएगा, अंडर रूट 12 बच जाएगा। ओके और यहाँ पे थ्री माइनस वन हो जाएगा, तीन में से एक घट जाएगा, तो ये टू हो जाएगा, तो ये जो ब्रैकेट है ये अब इनटू में बदल जाएगा, अभी इसका बदलने का समय आ गया। देखिए यहाँ पे ये बदल गया है, बदला कि नहीं, और सिंपली अंडर रूट 12/8। देखने में तो ये मैथ कुछ नहीं है, लेकिन सही में कुछ नहीं है, बस हम लोग को पीछे वाली चीजें याद होनी चाहिए। ओके गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर डालो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर डालो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टूडेंट स्पिरिट्स की तरफ से आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।